ये यहाँ पे देखना आप लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट का, ये यहाँ पे देखो अच्छा क्या ग्रुप में नहीं भेजा, जल्दी से भेज। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर पेज नंबर 112 पे। ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लास्ट मेथड है जिसे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। अभी आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एस्टिमेटेड मेथड है, तो इसके बारे में जो आपको सब में लिख कर दिया रखा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जब आपको एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लिख कर देगा तो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर DSK लिमिटेड कमेंसेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st अप्रैल 2015, बोलते हैं DSK लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1st अप्रैल 2015 का। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फॉर 35 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 35 लाख था। आगे यहाँ पे लिखा है एंड इट लाइकली टू बी कम्प्लीटेड ऑन 31st दिसंबर 2016 का, और एक कब तक कम्प्लीट होने वाला है, 31st दिसंबर 2016 को। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 31st मार्च 2016 एंड द सब्सिक्वेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 31st दिसंबर 2016 आर गिवेन बिलो। आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दोनों दिया हुआ है, चाहे वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहे, चाहे मेनी कॉन्ट्रैक्ट रहे, चाहे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रहे। रूल सब में बेसिक रूल जो है सबके लिए सेम है, जो भी खर्चे रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग WIP लिख कर, तीन आइटम आता है, मटेरियल एट साइट, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। और इसके अलावा यदि हम लोग को मटेरियल जा रहा है तो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है मटेरियल इशू दिया है, मटेरियल इशू कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट लेबर कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट साइड में, चार्जेबल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, प्लांट परचेस इसका डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। आगे लिखा है प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब ईयर के एंड में प्लांट को रिटर्न कर दिया, जिसका वैल्यू दिया हुआ कि कितने का प्लांट उसने रिटर्न किया, ये सब भी डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पे आएगा, यूज आएगा। आर्किटेक्ट फीस दिया है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितने का वर्क सर्टिफाइड रहेगा उसका परसेंटेज निकाल के दे भी डेबिट साइड में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश रिसीव हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है द प्लांट इज द सब्जेक्ट एनुअल डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, बोलता प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 20% रहेगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर दी शुड बी द पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट में हम लोग कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जैसे इससे पहले वाले में हम लोग को क्या होता था, जो नोशनल प्रॉफिट रहता तो उसका अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पर कैसे ट्रांसफर करना है, इसमें हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट का ट्रांसफर करते हैं, रियलाइज एंड रियलाइजेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच द सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ द वर्क ऑन एज ऑन 31st मार्च 2016, मतलब 31st मार्च तक जितना काम कंप्लीट हुआ रहेगा उसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 और सो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो मतलब फॉर्मेट हम लोग को दो ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, एक एस्टिमेटेड के लिए है। चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर दो आप लोग। हाँ वो भी जाएगा, एक पेज ले लो चलेगा, नहीं भी जाएगा बट एक पेज ले लो, वर्किंग नोट में काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 1st अप्रैल 2015 टू 31st मार्च 2016।
इसके बाद दूसरा कॉलम हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31st कब तक का है, फॉर द ईयर 1st अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31st दिसंबर तक है ना, चलो सब लोग फॉर्मेट जल्दी से ड्रॉ कर लो। दिया हुआ है सबसे फर्स्ट आइटम क्या दिया, मटेरियल इशू दिया है, तो सेम टू सेम वैसे करना, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जाके डेबिट साइड में लिख देंगे 2 मटेरियल इशू, कितना अमाउंट है 9,20,000। नेक्स्ट आइटम क्या है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर कितना है 4,00,000। नेक्स्ट क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट कितना अमाउंट है, नेक्स्ट प्लांट परचेस क्या, वो बाद में डेप्रिसिएशन उसका हम लोग निकाल के लिखेंगे। नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस कितना है 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड देखो सब में कितना दिया हुआ है 13,00,000 है, सॉरी नहीं 20,00,000 है, 20,00,000 का 4% निकालो 80,000 आ गया। नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड, ये सब तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय WIP लिखने का और इसके अंदर लिखने का मटेरियल एट साइट आता है, वर्क सर्टिफाइड आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड, देखो कितना कितना अमाउंट है, कितना है वर्क सर्टिफाइड, कितना है 20,00,000। नेक्स्ट वर्क असिस्टेंट 50,000। नेक्स्ट और कुछ दिया है, सब आइटम का पोस्टिंग हो गया, अभी डेप्रिसिएशन लिखना बाकी है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नहीं वो यहाँ पे नहीं आता, अच्छा फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन में निकाल देता हूँ, पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो प्लांट का वैल्यू कितना दिया, प्लांट कितने का था 3,00,000 का था, एक मिनट, प्लांट का वैल्यू आपको कितना दिया 3,00,000 से ना, इसके ऊपर कितना परसेंट बोल रहा है डेप्रिसिएशन 20% मंथ देखने का, स्टार्ट कब से हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 1st अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था क्या, 1st अप्रैल से 31st मार्च, मतलब पूरा 12 महीने है, इंटू 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा ना, तो 2 डेप्रिसिएशन जाके 60,000 लिख देने का, फिर इसका टोटल मार्केट टैली करो, देखो नोशनल प्रॉफिट है, लॉस आ रहा है, क्या क्या आ रहा है,
क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, 20,50,000 दोनों साइड आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4,10,000 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई नोशनल प्रॉफिट 4,10,000। इसमें से कुछ अमाउंट कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ रिजर्व में जाता है, बट अभी नहीं करने का। नॉर्मल वाला कॉस्ट रहता था, हम लोग पहले यहाँ से कितना रिजर्व में जाएगा, कितना प्रॉफिट में जाएगा वो निकालते हैं, और कंटिन्यूस वाला कॉन्ट्रैक्ट रहता तो भी निकालते हैं, और ये रिजर्व के अमाउंट को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट इस्टीमेटेड में ऐसा नहीं करना, इस्टीमेटेड में क्या करना है, डब्ल्यू आई पी का जो क्रेडिट साइड करेगा उसको जाके यहाँ पर इस्टीमेटेड में लिखने का, टू डब्ल्यू आई पी ब्रॉड डाउन करके लिख देने का, इसके अंदर लिखने का मटेरियल एट साइट वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, नहीं दिया तो इसको नील लिख देते हैं। वर्क सर्टिफाइड दिया था कितना, 20,00,000 है, ये कितना है, 50,000 है। अभी यहां पर जो नोशनल प्रॉफिट रहेगा, इन नोशनल प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करने का क्रेडिट साइड में, नोशनल प्रॉफिट डेबिट साइड में आया था, और इसको जाके यहां पर क्रेडिट साइड में लिखने का बाई नोशनल प्रॉफिट, अमाउंट आ जाएगा 4,10,000। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी खर्चे रहेंगे सब लिख देने का। क्या हुआ? चलो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी खर्चे सब लिख देने का, बोलो एक एक करके, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे बोलना। मटेरियल इशू दिया है तो मटेरियल इशू यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, टू मटेरियल इशू, कितना अमाउंट है, 6,37,000। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर है 3,20,000, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है कितना है, चार्जेबल एक्सपेंस है कितना बच्चा, नेक्स्ट आर्किटेक्टर फीस दिया हुआ है 2,00,000, एक मिनट, टू आर्किटेक्ट फीस कितना दिया है, 4% दिया क्या वर्क सर्टिफाइड का, तो अभी अपने को वर्क सर्टिफाइड देखना पड़ेगा कितने का हुआ है, मतलब इसमें वर्क सर्टिफाइड दिया क्या सब में, नहीं दिया ना, नहीं। कहाँ पे दिया है, कितना अमाउंट है, वर्क सर्टिफाइड 2,00,000 किधर दिख रहा है तुमको, 35,00,000 दिया, और 35,00,000 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही था, मतलब 35,00,000 वर्क सर्टिफाइड दिया, मतलब 35,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट ही था, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दिया है। तो हम लोग को सिर्फ वो अमाउंट लेना है जो इस साल में जितने का काम कंप्लीट हुआ, तो पिछले साल में हमारा काम कितने का कंप्लीट हो गया था, 20,00,000 का हुआ था, अभी बोल रहा है कि पूरा काम कंप्लीट होगा 35,00,000 का, तो मतलब कितने का काम कंप्लीट हुआ, 15,00,000 का, ठीक है। तो इस साल में सिर्फ और सिर्फ 15,00,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ, तो 15,00,000 के ऊपर हम लोग कितना परसेंट बोला है, तो 4% निकालने का, कितना 60,000 का। और नेक्स्ट कुछ दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड है क्या, नहीं, काम तो कंप्लीट हो गया, जब वर्क कंप्लीट हो गया तो यहां पर आ जाएगा बाई कॉन्ट्रैक्टी, कल भी आए थे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में, कितना 35,00,000 पूरा का पूरा आ जाएगा यहां पर। अभी यहां पर एक चीज लिखना बाकी है, वो है डेप्रिसिएशन, अभी इसका भी डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो प्लांट कितने का था,
एस्टिमेटेड में प्लांट कितने का है? नहीं दिया है, ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट नहीं दिया है, तो हमारा एक कौन सा है? एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग नेक्स्ट ईयर के खर्चों को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो सब में बोला था हमने शुरू शुरू में कितने का प्लांट इशू किया था, 3 लाख का किया था, जिसमें से 3 लाख में से बीच में दिया कि 1 लाख हमने रिटर्न कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है अब प्लांट, देखो प्लांट परचेस में दिया 3 लाख दिया है, और यहाँ पे लिखा प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ओरिजिनल कॉस्ट कितने का था? 1 लाख का, और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर 2 लाख का पूरा रिटर्न कर दिया। तो मतलब शुरू शुरू में हम लोगों ने प्लांट दिया था 3 लाख का इशू किया था, इसमें से 1 लाख का रिटर्न कर दिया, तो एस्टिमेटेड में सिर्फ और सिर्फ कितने का प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं? 2 लाख का यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर कितना 20% डेप्रिसिएशन, इसका एंडिंग क्या है? दिसंबर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हो रहा है? अप्रैल से। अप्रैल से दिसंबर कितने महीने होंगे? कितना? 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो 9 मंथ का निकालो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो देखो डेप्रिसिएशन कितना आता है, 8 मंथ हो रहा है, चेक कर लो जो भी है, 30,000 आएगा। चलिए डेप्रिसिएशन वाला वापस से बता देता हूँ, हम लोगों ने शुरू शुरू कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख का मशीन लाया था, और सब में ऐसा मेंशन किया कि 1 लाख का मशीन हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो हम लोग दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कितने का मशीन यूज कर रहे हैं? 2 लाख का यूज कर रहे हैं, 20% डेप्रिसिएशन है। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होता है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 30,000। फिर ये 30,000 यहाँ पर लिखने का, अभी इसके बाद टोटल मानने का, इसका देखो नेट प्रॉफिट कितना आता है, देखो क्रेडिट साइड का ज्यादा कि डेबिट साइड का ज्यादा है, चेक करो क्रेडिट साइड का ज्यादा कि डेबिट साइड का, फिर टोटल मारो कौन से साइड का, क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, 39,10,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड का, 39,10,000 दोनों साइड लिखने का, इसमें से माइनस करो देखो कितना आता है प्रॉफिट, सेवन लाख 13,000 आ गया। अभी ये अमाउंट आने के बाद एक कितना हम लोग को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में वो निकालने का, पहले 7,13,000 आ गया, तो अभी कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो निकालना, पहले डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन वाला पार्ट कॉपी करो, बाद में ये सब कॉपी करना। ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट्स कॉपी करके हो गया, तभी पहले देखो इसमें से कैसे अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो नॉर्मल वाले सब में हम लोग नोशनल प्रॉफिट लेते हैं, फिर उसके पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, 2/3 1/3 जितना भी रहता है हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
किसमें, ये नॉर्मल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, इसमें तो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन इसमें कितना ट्रांसफर करना है, इसमें जो नोशनल प्रॉफिट रहेगा वो लेने का, इनटू करने का, नहीं सॉरी नोशनल प्रॉफिट नहीं रहेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेने का, ये प्रॉफिट को हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेने का। और देखो समय उसने बोला था वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऐसा समथिंग उसने बोला था। देखो नीचे वाले लाइन में लिखा था यहां पर, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन अ क्रेडिट फॉर शुड बी दैट द पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दस विच द सर्टिफाइड वैल्यू वर्क ऑन द 31st मार्च। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से वर्क सर्टिफाइड यहां पे लेंगे हम लोग, डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो यहां पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 7,13,000 आया था, इनटू वर्क सर्टिफाइड इसका कितना था, 20 लाख था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 35 लाख, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 6,13,000 आएगा, एक बार कोई देख लो, पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लो अमाउंट मैच नहीं हो रहा आप लोग का बुक से। ये पहले इसको कर यहाँ पे, ये रॉन्ग है, 7,13,000 नहीं 6,13,000 आएगा, 3,39,10,000 में से ये सब माइनस करने का, गलत आया था वही तो की थी तू कर। कैलकुलेटर में नहीं कैलकुलेट हो पाएगा तो 0,0 कैंसिल कर देने का, 5,0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5,0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 6,13,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 35 कितना रहे, 3,50,286 ने, तभी 4,10,000 दोनों साइड हम लोग लिखेंगे, और जितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो लिख कर माइनस करने का, बचा हुआ अमाउंट रिजर्व में चला जाएगा, माइनस करो, कितना है माइनस करके, 4,10,000 में से 3,50,286 माइनस करना है, थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड टू एट्टी सिक्स फाइव नाइन सेवन वन फोर। चलो इसे कॉपी कर लो, अभी कि नीचे वाला भी कॉपी कर लेना और ऊपर के सम भी। सर अगर एग्जाम में आंसर हो जाएगा तो मार्क्स मिलेगा, सिर्फ कुछ मार्क्स करते हैं।
Thank you.